दोस्तों मैं अमरजोत सिंह बात कर रहा हूँ और मेरे जुड़ी हुई हैं सीमा राय जुड़ी हुई हैं। सीमा सीमा जी नमस्कार, कहाँ से आप जुड़े हुए हैं, कौन से क्षेत्र? सर आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली इंडिया। अच्छा अच्छा न्यू दिल्ली में कहाँ रहते हैं? न्यू दिल्ली तो मेरा ही क्षेत्र है एक्चुअली। कहाँ रहते हैं न्यू दिल्ली में? सर लाजपत नगर पार्ट वन। अच्छा अच्छा पार्ट वन में, ठीक है ठीक है ठीक है। ये यहाँ से उधर से शुरू होता है अपना, जहाँ से उधर से आप बुलचन से या उस तरफ से या जहाँ से मूलचंद क्रॉस करने के बाद बुलचन क्रॉस कर, जहाँ पर एक जगदीश स्टोर होता था पहले, आजकल है कि नहीं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अभी भी है, अब तो उसकी तीन ब्रांचेस खुल गई है। बताएं सीमा जी क्या क्या सिचुएशन है आपकी? आई हैव 10 मिनट्स, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। क्या क्या क्वेश्चन है आपके? सर आई एम थिंकिंग ऑफ अप्लाइंग फॉर अ स्टडी परमिट इन लैम्पटन कॉलेज फॉर द सितंबर 2021 इनटेक। मेरे दैट इज आई एम 38 इयर्स ऑफ एज राइट नाउ एंड आई हैव 14 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, बट उसमें फिर 17 इयर्स का स्टडी गैप है। आई एम थिंकिंग ऑफ अप्लाइंग विद माय स्पाउस एंड माय डॉटर हु इज 11 इयर्स ऑफ एज एंड माय स्पाउस इज आल्सो वर्किंग, ही हैज अ वेरी गुड जॉब ओवर हियर एंड सो डू आई, but there are certain reasons because of which we are thinking of you know moving out. दो तीन क्वेश्चन मैं आपको रुकूंगा यहीं पर। अब आप क्या क्या काम करती हैं, किस चीज में काम करती हैं अभी यहां पर, क्या जॉब क्या है आपका? सर मैं एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट हूं एंड मेरे हस्बैंड सीनियर मैनेजर हैं एक एमएनसी में। अच्छा, आपकी तनख्वाह क्या है और आपके हस्बैंड की तनख्वाह क्या है? So approximately my husband earns around 14 lakhs per annum and I earn about 7 lakhs per annum. ठीक है चलो कोई बात नहीं। पहले तो सवाल आपका उस पे उस वहां से शुरू करते हैं कि जब आपको एडमिशन मिल जाएगा जहां पर भी आप किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जा रही हैं, तो आप अपने फैमिली को साथ लेके करें, मतलब कि हस्बैंड को साथ। और बच्चे कितने? I have one daughter. वो कितने साल की है? She is 11 right now. अगले साल तक 12 की हो जाएगी। सबसे पहला मेरा जो आपको परामर्श है कि आप जब भी अप्लाई करें स्टडी वीजा के साथ साथ हस्बैंड का साथ में स्पाउस जो वर्क परमिट है वो, और बच्चे का भी, आपको बच्चे को भी एक स्टडी वीजा मिलेगा, तो तीनों का एक ही एप्लीकेशन में करें। सबसे पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरे अब आते हैं आपके, आपकी बैचलर्स डिग्री में क्या है, आपने क्या किया है इंडिया में? सर बैचलर्स डिग्री इज नॉट वेरी प्रॉमिसिंग, आई हैव नॉट स्कोर्ड वेरी वेल इन दैट एंड मैंने कोई ऑनर्स नहीं किया था। आप बता दें शर्माई ना, बता दें किसमें किया आपने, डोंट वरी, फिकर ना। ह्यूमैनिटीज था मेरा, नॉर्मल चार सब्जेक्ट थे और मैं इसमें भी ओपन हूं कि आई डिड नॉट स्कोर वेरी वेल, 44% आए थे मेरे। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, डोंट वरी, हमारे भी 50 से कम आते हैं हमेशा। उसके बाद मास्टर में उसके बाद क्या किया, उसके बाद कोई और पढ़ाई करी है बैचलर्स के बाद? नहीं सर, आफ्टर दैट आई डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी, आई गॉट इनटू अ प्रोफेशनल लाइफ आफ्टर दैट। अच्छा, तो मोटा मोटा है कि भाई हमारे बैचलर्स में हमने ह्यूमैनिटीज करी हैं और उसको 17 साल हो गए हैं और उसमें हमारे मार्क्स 44 के करीब करीब हैं। तो अभी आप जो ये जो काम कर रही हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे क्या काम आप रोज करती क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द जॉब? सर आई एम अ ट्रेनिंग, इन अ वे आई एम इन अ ट्रेनिंग टीम, आई कंडक्ट ट्रेनिंग्स, आई क्रिएट ट्रेनिंग कोर्सेज and I plan trainings for different teams, so that is my profile. And you have actual virtual, and you have, sorry, you have 10 years experience, 10-12 years experience? No, doing this 14 a total 14 of 14 years experience doing this. Yes. And what is the course that you have enrolled, what is the course admission in Canada that you've gone? So it's in Lambton, it's a learning and development e-learning course, bilkul mere profile se matching course hai. Okay, and this is a 1 year course, 2 year? No, it's a 2 year, it's a diploma. It's a postgraduate diploma, PG diploma? Sir, meko na ye postgraduate aur graduate mein badi confusion hoti hai inke is naming convention mein, but ye 2 years ka hai, co-op hai and diploma hai, itna mujhe samajh mein aaya hai unke site pe check karke. So wo waise main apni isme raay de deta hu. Or I apologize, sometimes I have to hold my hands to tell you something. It's okay sir, you are the expert. Yeah. So ye jo diploma hai, is jo diploma ka admission criteria hai ki aapke paas bachelor's honi chahiye ki aapke paas high school hona chahiye? Sir high school usme higher secondary ke
जो मार्कशीट है वो मांग रहे हैं. सो आई एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड. ओके, सो अब इसका मतलब ये साफ हो गया कि इसका मतलब कि दिस इज नॉट अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा. और मेरे को लगता है कि 99.9% आपको वीजा नहीं देंगे कनाडा वाले. ओके, उसके उसके दो इवन इफ इट माय उसके दो दो कारण मैं बता देता हूँ क्यों नहीं वीजा देंगे. एक तो ये कोर्स आपके लिए छोटा कोर्स है, ये जूनियर लेवल का कोर्स है. ये इस कोर्स को करने के लिए लोग यहाँ 12वीं के बाद भी, जैसे उसकी अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो 12वीं के बाद भी कर सकते हैं. और इसके लिए बैचलर्स डिग्री जरूरी नहीं है. नंबर वन, तो आपके पास ऑलरेडी बैचलर्स डिग्री है, चाहे तो कम मार्क्स हैं, डजंट मैटर. आपके पास तो आपके अपने लेवल से, अपने स्टैचर से आप नीचे जा रहे हो, आप ऊपर नहीं जा रहे हो. नंबर वन, एक तो ये रीजन है. और दूसरा रीजन ये है कि जो आपने 44% मार्क्स आपने कहा है कि उसको देख के शायद किसी की अगर निगाह पड़ जाए, पड़नी चाहिए अनलेस दे आर डूइंग इट बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अगर किसी की निगाह पड़ जाए तो हो सकता है कोई ना कोई उसमें लाल निशान डाल देगा कि ये स्टूडेंट शायद सीरियस नहीं थी पहले या अभी भी नहीं है, इसका एकेडमिकली इसका इंक्लाइन नहीं है. हो सकता है कि कुछ ऐसे चक्कर डाल दे. तो इसको इस कोर्स में आप जाओगे तो मेरे को डेंजर है आपके लिए कि आपका वीजा रिफ्यूज ना कर दें, क्योंकि मेरे को अंदर से फीलिंग है कि रिफ्यूज कर देंगे. इससे अच्छा तो आप ऐसा करो, जल्दबाजी ना करो. आप पहली बात ये छोटे मोटे कॉलेज, लैम्पटन कॉलेज को छोड़ के, लैम्पटन कॉलेज ये फलाना कॉलेज, बहुत सारी कॉलेज की लिस्ट है वहां पर उस एरिया में. कॉलेज और कॉलेज की दुकानें बनी है वहां पर छोटी छोटी, और दुनिया भर से, इंडिया से, चाइना से, फिलीपींस से, अफ्रीका से, 12वीं के बाद लोगों को वो जमा करते हैं क्योंकि उनके पास 3 गुना स्टूडेंट फीस ज़्यादा उनसे वसूलते हैं और उनकी कमाई होती है. तो आपने इसके बारे में कई वीडियोज बनाए मैंने. तो इस तरह के कॉलेज में आपका जाना मुनासिब नहीं है. मैं चाहता हूँ कि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं, अगर आपको एडमिशन मिलता है तो. अब प्रॉब्लम वही हो जाएगी कि एडमिशन फिर वो देने के लिए आपको बोलेंगे जी आपके 50% नहीं है, आपके 60% नहीं है, वो नहीं है. ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, विच आई अंडरस्टैंड कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता. आपने आपने जो जो कोर्सेस जैसे बैचलर्स के बाद और भी कुछ ट्रेनिंग डिप्लोमास वगैरह करें हैं इंडिया में कि नहीं करें? नहीं, दैट इज आई थिंक कि मैंने कोई कुछ नहीं किया है. मे बी इनिशियली आई वाज नॉट वेरी सीरियस अबाउट माय एजुकेशन. But now that I'm in my professional life, I have an idea as to how, you know, professional life works and seriousness aa jati ek life mein. So mujhe lagta hai ki padhai ki koi age nahi hai, but aapki baat bhi sahi hai ki ab maybe mere chhota course ho. नहीं नहीं, उसमें उसमें अब क्या चक्कर है, थोड़ा सा चैलेंजिंग ये है कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में देखें जहां पर आपको कोर्स मिल जाए जो आपके एक्सपीरियंस और स्किल के बेस पे आपको वो जो रिक्वायरमेंट है जो मार्क्स की उसको वेव ऑफ कर दे. इट इज हार्ड थिंग टू डू एक्चुअली, इजी फॉर मी टू से कि कर दे, लेकिन और थोड़ा कोशिश करो. कोई और यूनिवर्सिटी देखो आप, कोई और कोई कॉलेज देखो और कंपेयर करो फिर किसका ज़्यादा प्रॉमिसिंग है. मेरे को लगता है कि लैम्पटन कॉलेज, हो सकता है कि कोई भगवान का करिश्मा हो जाए आपको वीज़ा मिल जाए, लेकिन मेरे को जो हालात जो नज़र आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा वीकनेस नज़र आ रही है अभी. और इसलिए मैं आपको पहले से थोड़ा सा सावधान करना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि एक बार रिजेक्ट हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी अगली बार. यू नो इट बिकम्स लिटिल एंड वेस्टेज ऑफ फीस एंड रिसोर्सेज एंड स्टफ. सो ये मैं आपको राय देता हूँ. और बाकी आपने जो सवाल पूछा था कि US वीज़ा का भी आपका रिफ्यूज़ हुआ था एक बार या दो बार? सर, मेरा नहीं हुआ था. मेरे हस्बैंड का हुआ था US visa, that is maybe around 7-8 years ago. वो भी उनके organization ने apply किया था उनके लिए. हमें तो ये भी नहीं पता कि क्यों reject हुआ. 3 बारी apply किया organization ने ही, transition के लिए उन्हें जाना था. अच्छा. So I just wanted to know कि ये भी कोई एक, मतलब could it be a negative for my husband, that is if he comes with me as a spouse? अब negative नहीं है, कोई बात नहीं. अब तो उनकी तनख्वाह भी अच्छी है और अच्छा उनकी जो establishment है वो पुराने company की तरफ से था, वो पुराना हो गया. It's not a big issue. I don't see that as a big problem at all. Or baki unke paas, you know, a company kar rahe hai. So it's not a big problem. Ek baar refuse hua hai ki do baar refuse hai US ka? Sir, 3 baar hua hai. Unhone 3 mahine ke gap mein. Haan ji, 3 mahine ke gap mein unko 3 baar company ne force kiya ki please appear for the visa interview. Aur 3 baar back to back unka reject ho gaya. Wo ek baar 2009 mein Canada bhi hoke aa chuke hain. अच्छा, एक सेकंड, विदाउट इंटरव्यू रिफ्यूज, इंटरव्यू तो हुआ होगा ना यूएस का? हाँ जी, 3 बार इंटरव्यू पे गए हैं. उनको खुद पता होगा कि क्या पूछा है, क्या, व्हाट वाज द रीजन 3 बार क्यों रिफ्यूज हुआ, कोई ना कोई बात जरूर है. दे वर जस्ट कन्विंस, हां दे वर जस्ट, दे जस्ट थॉट दैट ही इज नॉट गोइंग देयर फॉर ट्रांजिशन. उन्होंने यही बोला. अच्छा, जबकि वो ट्रांजिशन के लिए जा रहे थे और उसके बाद में 1-2 बारी के बाद में तो कोई ढंग से बात भी नहीं हुई उनसे.
अच्छा 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 बिकॉज़ इट वाज द सेम देयर या उसके बाद कनाडा का वीजा कब लगा इसके बाद लगा इससे पहले लग गया था इससे पहले 2009 जून में लगा था ठीक है चलो कोई बात नहीं It's not a big issue. I don't see it as a big issue. I see the bigger issue is your academic credentials and your going to the right course, to the mature course. That I see is a big big issue than your husband's three times refusal. So, अगर आपका 44% का अगर marks अगर वो है, तो आप university को पहले बताएं कि मेरा SS है. आप उनको बिल्कुल proper लिखें उनको. अगर कोई यूनिवर्सिटी कहती है कि कोई यूनिवर्सिटी अगर कहती है कि मेरे को इतने परसेंटेज मार्क्स चाहिए तो आप उनको अलग से एक ईमेल एक कवर लेटर बना के लिखें कि भाई ठीक है आपने मान लिया कि आप 60% चाहते हैं 55% चाहते हैं लेकिन मेरे पास ये है लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए मेरे पास इतना साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है और जो आपने लर्निंग टीचिंग करते हैं उसके आपके पास कोई क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स होंगे आपके लिंक्डइन पे प्रोफाइल पे होगा या आपके पास कोई और कोई मेरिट सर्टिफिकेट टाइप होंगे उनको उस तरह का बैलेंस करके अपने तराजू को तोड़ के वहां पर थोड़ा सा भारी करें इस तरफ यहाँ पर थोड़ा कम है तो वहां पर उस तरह से कोई सर्टिफिकेट्स मेरिट ऐसे टेस्टिमोनियल्स इसको करके उसको बताएं कि मेरे पास इतना है और दे विल अंडरस्टैंड आई मीन नॉट एवरीबॉडी इन कनाडा इज अ टॉपर आई मीन नॉट एवरीबॉडी इन कनाडा गेट्स हाई मार्क्स ऑल द टाइम तो वो उनको पता लग जाएगा और यही बात आपको दोहरानी है वीजा जो एप्लीकेशन आपको स्टडी वीजा डालोगे जो SOP लिखनी है मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में आप पहले से ओपनिंग सेंटेंस में ही आप खुलासा करें कि ऐसा I'm just giving you some few lines. I mean, I'm not saying you copy my words, but hey, look, I'm not the brightest student around, but at that time I did not appreciate the value of this learning and I did not attend those classes or did not do my stuff. But hey, right now I think I'm more ready. I'm more mature to take those classes and to study something. My mind is more settled to understand what I want to do. And this is what it is. And they will understand. They are human beings. I mean, they are not robots. So they will understand. So ye thodi si isme wo hai ki aap isko iski taraf zara tawazzo dein. Okay. All right, sir. So because I had another college in mind, but unka criteria main meet nahi karti hu. Again, I heard you speaking about Royal Roads University. It's a very well-renowned university. उसमें master's course है और मैं master's का criteria meet नहीं करती हूँ. तो बस out of that hesitation में वो क्या मांग रहे हैं? They want at least more than 55% and I am like 10% below their criteria. Yeah. So 10 or 11%. Yeah. जो मैंने कहा है ना आप उनको अलग से एक letter लिखें और letter उसको ना लिखें. देखिए मैं आपको थोड़ा नुक्ता बता देता हूँ. टिपिकली जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के जो एडमिशंस ऑफिसर रहते हैं वो अलग अलग छोटे लेवल के ऑफिसर बैठे हैं छोटे लेवल के मतलब अनुज सिंह के क्लर्क बैठे हैं छोटे लेवल के पास उनका वो एक चेकलिस्ट से देखते हैं कि उसको एडमिशन देना ही देना वो अलग लेकिन आप जो लेटर लिखें आप उसको लिखें आप अपने प्रोफेसर को लेटर लिखें जो उस डिपार्टमेंट का जो हेड है जो डीन होगा ना कहीं जिस डिपार्टमेंट पे आप जा रहे हैं जो कोर्स करता है आप उनकी वेबसाइट पे जाएं उनका नाम निकालें और जितने भी उनके लिखे होंगे नाम कहीं जो आपके एरिया में टीचिंग कर रहे हैं जो आपके एरिया में उन्होंने कुछ रिसर्च वगैरह करी है तो आप उनको डायरेक्टली ईमेल लिखें या कॉल करें उन्हें बताएं कि भी मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट हूं और मेरा ऐसा ऐसा इंटरेस्ट है मेरा ऐसे ऐसा पुराना बैकग्राउंड है उनको अपना बातें बताएं और उनसे बोलें कि भाई मेरे को बहुत मन है कि मैं आपके अंडर आके पढ़ना चाहती हूँ और ये कोर्स करना चाहती हूँ हमारे पास सिर्फ एक ही बैरियर है कि पहले मैंने जिंदगी में इतने मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आपके यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन ऑफिस है मेरे को ऐसे वो बंदिश में डाल रहा है कि हम अप्लाई नहीं कर सकते अगर वो प्रोफेसर चाहे तो चुटकी बजा के उसको वेव ऑफ करा सकता है वो ओके आई विल सर्टेनली ट्राई दैट पाथ एज वेल आई हैड एन एसओपी एंड एवरीथिंग रेडी बट वो लैम्पटन के हिसाब से बना हुआ था उसे थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा मुझे आई विल सर्टेनली बी डूइंग दैट माय ओनली होल्डिंग फैक्टर वाज दैट माय हस्बैंड्स वीजा रिजेक्शन दैट इज यूएस वीजा रिजेक्शन उसके बारे में आई जस्ट वांटेड टू नो उसके बारे में कोई चिंता करने की यूएस वीजा का रिजेक्शन हो गया उसके बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं इस वक्त इट्स ऑलरेडी डन डील देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट दिस आई एम मोर कंसर्न्ड एंड वरीड अबाउट यू गेटिंग टू द राइट कोर्स द राइट यूनिवर्सिटी एंड द राइट प्रेजेंटेशन ऑफ योर सेंटिमेंट्स अबाउट हाउ यू आर एलिजिबल फॉर द स्टडी वीजा उसके बारे में वो जरूर है मेरे पास कि मेरे को लगता है कि इसमें बहुत बड़ी बाधा है आपकी
तो इसके लिए आप यूनिवर्सिटी के जो डीन है, जो 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 आपके डिपार्टमेंट, होता क्या है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं जैसे, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो उस कोर्स को रन करते हैं और वो देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया है, कैसे कौन स्टूडेंट आएगा, क्या सिलेबस है वगैरह वगैरह. एडमिशंस ऑफिस तो एक अलग डिपार्टमेंट है, अलग लोग बैठे हैं, उन्हें पता है कि भी किस किस से यू नो चेकलिस्ट क्लिक क्लिक देना है नहीं देना, व्हाटएवर डू. सो अगर आप आपकी अगर एक एक वेवलेंथ अगर एक बन गई किसी प्रोफेसर के साथ जो आपके एरिया को बिलोंग करता है, और उसके साथ आपने बता दिया कि ठीक है जी, आई एम अ जेन्युइन स्टूडेंट, आई एम अ बोनाफाइड स्टूडेंट, तो दे कैन वर्क दिस थिंग आउट इन योर फेवर. All right, sir. I will certainly take this path. You have clarified my doubt. So I do not need to mention that in the SOP. That is my question. Last question. SOP mein mujhe mention karne ki zarurat nahi hai about any kind of visa rejection, right? If that is, it comes to that stage. Ye maine kab kaha? जो वीजा है, ओके, आई एम सॉरी. जो आपके जो वीजा रिजेक्शन है, फॉरगेट अबाउट रिजेक्शन, वीजा अगर आपने अप्लाई किया है, वीजा मिला है, नहीं मिला है, एप्लीकेशन विड्रॉ हो गई, कैंसिल हो गई, एनीथिंग, जितनी भी ऐसी जो इमिग्रेशन और वीजा की जो हिस्ट्री होती है आपकी, चाहे कनाडा की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे अफ्रीका की हो, चाहे बांग्लादेश की हो, चाहे नेपाल की हो, किसी भी कंट्री की जो भी कोई हिस्ट्री है, वीजा ट्रैवल हिस्ट्री है, वो आपको फॉर्म जो भरेंगे, आप जो फॉर्म भरेंगे, फॉर्म का नंबर है 1294, उस फॉर्म में आखिरी पेज पे वो पूछेंगे कि आपका ये क्या है, तो उसमें आप लिखो कि मैंने कितनी बार अप्लाई किया, नहीं किया, क्या हुआ, क्या सबको लिखना पड़ेगा, वही हस्बैंड भी लिखेगा, वो सब आपको लिखना पड़ेगा. ये सब लिखना एसओपी में नहीं लिखना होता है, ये आपके जो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं उसमें लिखना होता है. एसओपी तो एक आपके आपके जो दिल की एक आवाज है, जो अंदर आपके सेंटिमेंट है, क्यों जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, कितने पैसे हैं, क्या होगा, एसओपी का वो है. और एसओपी मैंने कई एसओपी में देखता हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ कि भाई आप एसओपी गूगल पे कॉपी पेस्ट करके आप वैसा काम ना करो. एसओपी अपने दिल की आवाज जो है वो बाहर निकाल के अपना बिल्कुल जैसे खून की चिट्ठी लिखते हैं वैसे लिखो आप. उसमें आपकी जो आपके जो दिमाग में जो घूम रहा है, जो सेंटिमेंट है, वो लिखो, बताओ कि आप कौन हो, क्या मोटिवेशन है, क्या करना चाहते हो. जो अगर आई डोंट थिंक दे हैव टाइम टू रीड ऑल द पेजेस देयर, बट अगर उसको एक भी लाइन अगर उसको पढ़ के क्लिक कर गई, दिमाग में बैठ गई उसके, हाँ भाई ये बच्चा सही बोल रहा है, एंड आई थिंक दे विल लव इट, एंड यू नो दे विल रूल इन योर फेवर. और कभी कभी हम लोग कॉपी पेस्ट करके वो कहीं की कहीं बात घुमा देते हैं, कई बार लोग देते हैं कनाडा इज अ वंडरफुल कंट्री, आई वांट टू लिव इन द कंट्री विद ब्यूटीफुल लैंड एंड माउंटेन्स, वो ऐसे कर देते हैं, तो वो बात वो यू नो इट डज नॉट मेक सेंस, इट्स लाफेबल एक्चुअली. गो अहेड, और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, यही क्वेश्चन था बस कि लैम्पटन का कोर्स, दो कॉलेज छोटा है बट उसका कोर्स का जो कंटेंट था वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है एज पर द वर्क प्रोफाइल दैट आई हैव राइट नाउ. तो मुझे यही लग रहा था कि अगर मैं मास्टर्स के लिए जाती हूँ और मैं नहीं कर पाऊँ, मास्टर्स का जो कोर्स कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने वैसे ही यहाँ बैचलर्स करी है बट गैप भी ज़्यादा हो गया है, तो आई थॉट आई वुड बी एबल टू जस्टिफाई दैट, बट आपके हिसाब से मैं नहीं कर पाऊंगी उसको जस्टिफाई टू अ वीजा ऑफिसर. मे बी पर्सनली टू मी एज अ पर्सन मैं उसको जस्टिफाई कर पाऊँ, बट मे बी अ वीजा ऑफिसर वुड नॉट बी दैट सैटिस्फाइड विद माई यू नो जस्टिफिकेशन. सीमा, मैं तो आपको सिर्फ एक ही कहता हूँ कि अगर आपने लैम्पटन कॉलेज किया और बाई चांस, आई मीन देयर इज ऑलवेज 1% 0.9% सम चांस, अगर बाई चांस अगर आप रिफ्यूज हो गए लैम्पटन कॉलेज में, उसके बाद अगर उन्होंने रीजन लिख दिया कि रीजन है 216 सेक्शन लगा दिया है, बोला कि भी आपका कोर्स में एक रेलिवेंस नहीं है, आपके वो उसमें जस्टिफाइड नहीं हो रहा, अगर ऐसा कुछ उन्होंने लिख दिया फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर दरवाजे बंद हो जाएंगे रॉयल रोड्स के भी और बाकी यूनिवर्सिटी के, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके, सो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप रॉयल रोड्स को पहले आप उसको कर लें, अगर वहां होता है तो फिर लैम्पटन की जरूरत नहीं पड़ने वाली, अगर नहीं होता तो फिर लैम्पटन जाना ही पड़ेगा, फिर क्या करें. चलिए सर, आई विल ट्राई दैट पाथ, आई विल रिसर्च मोर ऑन अदर कॉलेजेस एज वेल टू सी इफ अ सिमिलर यू नो प्रोग्राम इज अवेलेबल, नॉट कॉलेजेस, आई मीन आई विल ट्राई टू फॉर अ यूनिवर्सिटी एज कंपेयर टू अ कॉलेज. हां जी, हां जी, हां जी, ठीक है, ठीक है. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू, हैव अ गुड डे. नमस्कार.